नमस्कार, मैं हूं धनश्री के क्या न्यूज में आपका स्वागत। बढ़ते हैं खबरों की ओर। रायसेन में पेट्रोल पंप पर देर रात तक काफी भीड़ रही। लोग अफवाहों के चलते अपने वाहनों में पेट्रोल डीजल डलवाने के लिए लंबी लंबी कतारें लगाए रहे और देर रात पेट्रोल पंपों पर डीजल पेट्रोल खत्म हो गया। आपको बता दें कि रायसेन शहर में फेसबुक और सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाह उड़ी कि देश के अंदर पेट्रोल पंप की किल्लत होने वाली है, जिससे लोगों में चिंता बढ़ गई और वे अपने लिए पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल का स्टॉक करने के लिए पेट्रोल पंप पर दौड़े। रायसेन में लगभग 2 पेट्रोल पंप है। अफवाहों के चलते लोगों की भीड़ पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल डलवाने के लिए उमड़ पड़ी, जिसके चलते कई पेट्रोल पंपों पर डीजल और पेट्रोल समाप्त हो गया। वहीं एक पेट्रोल पंप संचालक से जब ये पूछा गया कि पंप पर इतनी भीड़ क्यों है, तो उन्होंने बताया है कि किसी के द्वारा अफवाह फैलाई गई है कि पेट्रोल डीजल खत्म होने वाला है, परंतु हमारे पास पर्याप्त मात्रा में स्टॉक है और ऐसा कुछ भी नहीं है कि पेट्रोल डीजल खत्म हो रहा है। लोगों में अफवाह के चलते ये समस्या उत्पन्न हुई। संजय चौहान की रिपोर्ट। क्या ये इतनी भीड़ क्या हो रही है यहाँ पे? भीड़ क्या हो रही है साहब? पेपर में और टेलीविजन के समाचारों के द्वारा बताया गया कि देश के अंदर पेट्रोल डीजल की किल्लत होने वाली है, इस वजह से सभी लोग आ रहे हैं। अपने यहाँ पेट्रोल का पर्याप्त स्टॉक है, बराबर पेट्रोल दिए जा रहा है, ऐसी कोई नहीं है। कल फिर गाड़ी आई फिर दिए जा रहे हैं। पेट्रोल डीजल की भीड़ लग रही है, किस कारण से लग रही है? यूक्रेन ने और सऊदी अरबिया ने पेट्रोल डीजल को वहाँ का बैन कर दिया है। अच्छा, कैसे पता चला? न्यूज द्वारा पता चला। तो पेट्रोल डलाने आए? फुल टैंक कराने आए। ऐसे ही खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।